नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से उठा पटक शुरू हो गया है। लड़ाई तेज हो गई है, गठबंधन टूटने के आसार भी देखने सुनने को मिल रहे हैं। सीधे तौर पर मोदी और नीतीश का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ ही दिनों के लिए बिहार में नीतीश और मोदी का गठबंधन टिका हुआ है? दरअसल ऐसा मैं नहीं बल्कि मोदी के मंत्री, पूर्व मंत्री के जरिए, केंद्रीय मंत्री के जरिए ऐसा बयान सामने आया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अब अकेले चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार को उनकी ज़रूरत नहीं है, बिहार में बीजेपी अपने बलबूते पर अच्छा कर सकती है। कल तक मैंने आपको दिखाया था कि अश्विनी चौबे जो है वो सीएम को लेकर कह रहे थे कि अब बीजेपी का सीएम होना चाहिए, 2025 विधानसभा चुनाव बीजेपी का ही कोई सीएम, कोई कैंडिडेट होना चाहिए, नीतीश कुमार को अब साइड करना चाहिए, नीतीश कुमार को अब किसी भी कीमत पर हम सीएम बनने नहीं देंगे। लेकिन अब फिर से उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी है और ये लड़ाई सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही शुरू हुई है, उसके बाद वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला है, नाम के बस किंग मेकर रह गए। कल भी मैंने आपको दिखाया था खबर कि कैसे नीतीश कुमार बार बार मीटिंग करके सरकार से करोड़ों लाखों रुपए का पैकेज की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और केंद्र सरकार है कि उनकी बातों को अनसुना कर रही है। मोदी जी बस अपनी ही चिंता में डूबे हुए हैं, अपनी ही पार्टी को संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस पार्टी के बलबूते पर वो सत्ता में आए हैं उस पार्टी को मदद के नाम पर बार बार ठेंगा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मंत्रालय के नाम पर ठेंगा मंत्रालय और स्पीकर के नाम पर भी ठेंगा स्पीकर मिल गया है। अब देखिए किस तरीके से अश्विनी चौबे का जो बयान आया है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। कैसे अश्विनी चौबे जो है दो टूक बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको अश्विनी चौबे का फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज़ के हवाले से जो खबर आई है वो दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट बिहार न्यूज़ झारखंड लिखता है कि अध्यक्ष पद पर भारी बर्दाश्त नहीं होगा, चौबे ने सम्राट के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पार्टी में बीजेपी के खुद के अंदरूनी कलह साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़े बीजेपी, सीएम को लेकर कह दी टेंशन वाली बातें। ये सारी चीज़ें अश्विनी चौबे की तरफ से कही गई है। अपने नेता डिप्टी सीएम को भी वो टारगेट कर रहे हैं, घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उनका सब्र का बांध जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये आर्टिकल कहती है कि लोकसभा का टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और उन्होंने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अश्विनी चौबे ने साफ साफ शब्दों में अश्विनी चौबे ने कह दिया है कि हमें आयातित माल नहीं चाहिए बल्कि अध्यक्ष के पद पर पार्टी के मूल सदस्य का होना बेहद ज़रूरी है। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े, उन्हें किसी के सहयोग की, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जदयू का साथ छोड़े, जदयू के साथ वो ना जाए, इस तरीके की बातें वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे। आज फिर से उन्होंने सम्राट चौधरी पर तो निशाना साधा ही, साथ में नीतीश कुमार को भी लेकर साफ संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब वो भले ही पूर्व हो गए हैं लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी खुद की इच्छा है और मैंने पार्टी से भी बातचीत कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बननी जो है वो चाहिए, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर आए और अपने सहयोगी दलों को आगे बढ़ाए, यह हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा क्योंकि चुनाव में वक्त कम है। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि हम नीतीश कुमार को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आगे भी उनके साथ चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद देखा जाएगा, ये पार्टी और केंद्र का को नेतृत्व जो है वो तय करेगा, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्रीय नेतृत्व तय करे, ये बात साफ साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए। साथ ही अश्विनी चौबे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी में जो दूसरी जगह से आए लोग हैं वो हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने जिस पौधे को सींचा है हम उस सिद्धांत को कभी छोड़ नहीं सकते हैं,
हम पार्टी में हमेशा से थे, हैं और बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर कभी भी, चाहे वो जिला हो या राज्य हो, प्रदेश हो या केंद्र हो, उस पर निश्चित रूप से संगठन का मूल रूप से सदस्य होना चाहिए, कोई बाहरी सदस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब अध्यक्ष मूल का होगा तभी हम देश में आगे बढ़ सकते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ से कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से खड़ी खड़ी अश्विनी चौबे जो है अपने पार्टी के नेता और आला कमान को सुनाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि ये सम्राट चौधरी जो है वो बाहरी है, दूसरे दल के आए हुए नेता है, बीजेपी के ही नेता को आप अध्यक्ष बनाएं, पार्टी में अहम जिम्मेदारी दें, ये सारी बातें अश्विनी चौबे की तरफ से कही जा रही है दोस्तों। साथ में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की भी बात की जा रही है कि 25 में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को ना बनाया जाए, सहयोगी दल है उनको सहयोग के साथ आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन बीजेपी को मुख्य चेहरे के तौर पर बिहार के अंदर चमकता हुआ देखना चाहते हैं वो। तो ये सारी बातें उनके ज़रिए कही जा रही है। ऐसे में देखिए पार्टी के अंदर कलह जो है वो साफ तौर पर है, किसी का एक जो एक राय नहीं है, मन भेद और मतभेद यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि कैसे इनके बीच मतभेद है। ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी और के साथ चुनाव लड़े, और अगर लड़े भी तो खुद आगे आए। कई दफ़ा अश्विनी चौबे ने कहा, अब तो उन्होंने खुद अपने ही पार्टी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बिहार के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको भी निशाने पर ले लिया है। साफ तौर पर कलह की जो तस्वीरें आपको देखने सुनने को मिल रही है, आप सभी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो है गुणगान करते हुए नज़र आ रहे थे, सरकार बनने के बाद कैसे मोदी जी अलग थलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार और TDP का साथ मिल जाने के बाद वो उनकी पार्टी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी को लेकर जो बड़ा पद का अनुमान लगाया जा रहा था वो पद भी उनको नहीं मिला है। तो साफ तौर पर गुस्सा और नाराज़गी यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। बिहार में सरकार गिरती हुई किसी भी वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता है जिनको मंत्री भी बनाया गया था। हाँ, भले इस बार उनका टिकट काट दिया गया हो, लेकिन इनके संबंध बीजेपी में ऊंचे ऊंचे नेताओं के साथ गहरे हैं, जिनका ये जिक्र खुद कर रहे हैं। अडवाणी, अटल, मुरली मनोहर जोशी, इन तमाम नेताओं का जिक्र करके वो कह रहे हैं कि हम हमेशा से उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते हुए नज़र आएंगे। भले ही हमें कोई ताकत, कोई जो है वो कुर्सी ना मिली हो, कोई हमारा टिकट काट दिया गया हो, लेकिन हम बीजेपी के सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, जो कि आगे भी हम इसी तरीके की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में पहले से ही राड़ जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।